हमने देखा कि भाई NHAI के बिल्डिंग की ओपनिंग के दिन नितिन गडकरी साहब ने क्या है बयान दिया, फर्स्ट वर्ड जो था उनका, हम मुझे शर्म आ रही है बोल के बोले, बिल्डिंग की ओपनिंग करने के वास्ते मुझे शर्म आ रही है बोल के बोले नितिन गडकरी, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से, और उन्होंने करप्शन के बारे में बात करा, करप्शन के बारे में बात करे और NHAI के ऑफिशियल जो ऑफिसर्स थे उनके बारे में बात करें, उनको नालायक कहा और उनको मतलब जो दिल में आया 18-19 मिनट तक उन्होंने बोलते गए। उसके 19 मिनट के अंदर दरमियान के अंदर आवाम को ये महसूस हो रहा कि भाई इनो एक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नहीं, उन्होंने भी कोशिश तो एक छोटे मोटे आदमी हैं जो देख नहीं सक रहे, उन्होंने जो मतलब ऑफिशियली जो गलत काम कर रहे हैं ऑफिसर्स और कॉन्ट्रेक्टर्स जो गलत काम कर रहे हैं उनको देखा नहीं जा रहा, तो एक मजबूर इंसान जैसा बोलता, जो मजबूर होके बोलता, देखिए दुख के साथ उन्होंने बता रहे थे कि भाई मुझे शर्म आ रही है, मुझे ऐसा हो रहा है, मेरे को तकलीफ हो रही है, क्योंकि आवाम जो है उनको जूते मारना, आवाम जूते मारना, लोग उनको धूल चटाना, जो वर्ड इस्तेमाल करे। मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि भाई आप इससे पहले जो 6-5 साल आप खुद ही ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे और इससे पहले आप पार्टी प्रेसिडेंट थे, आप इतने सीनियर एक पार्टी एक्स पार्टी प्रेसिडेंट बीजेपी के रहते हुए एक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सीनियर, इससे पहले भी आप ही 5 साल करते हुए, फिर आप प्रेजेंट 3 साल से आप कर रहे हैं, करने के बावजूद जो अल्फाज आप इस्तेमाल करें, मेरे को ऐसा लगता है कि भाई एक आप इस पोस्ट पर बैठने के काबिल नहीं है, क्योंकि जो इंसान एक पोस्ट पर बैठता है इमीडिएट उनके आगे एक्शन लेता है कि भाई आपको जब तकलीफ हो रही है, आप करप्शन दिख के आ रहा, तो आप इमीडिएट उनको सस्पेंड करना था ऑफिशियल, और आप खुद ही बोल रहे हैं कि भाई हम ऐसे नालायक इंजीनियर्स को जो है प्रमोशन दे के MD और DM बना रहे हैं, तो आपको जब मालूम है कि भाई एक नालायक है, एक मतलब वो इंजीनियर्स जो आप ऑफिसर जो भर्ती कर ले रहे हैं वो कुछ काम के नहीं है, उतने होशियार नहीं है, उसके बावजूद भी आप भर्ती कर लिए, फर्स्ट गलती आप वहाँ पर करें, और सेकेंड गलती क्या करें आप उनको प्रमोट करके, जब एक नालायक आदमी को जब प्रमोट करते हैं तो उसका नुकसान आवाम को भरना पड़ता है और आवाम की जानों के ऊपर भरना पड़ता है, उनके लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ता है। ये छोटी बात नहीं है हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब, ये है जो है बहुत बड़ी बात है, तो आप ज़रा इसके ऊपर गौर करिए और इमीडिएट जो करप्शन जो अब आपके सामने आया, जो भी करप्शन लिए उनको इमीडिएट सस्पेंड करना, उनके ऊपर केस करना, और जहाँ पर भी ऑल इंडिया लेवल पर जहाँ पर भी जो प्रमोशन दिए हैं उनको डिसमिस, जैसे जिस तरह से आप पीठ थपकने का काम करें वैसा डिसमिस करने का भी काम करिए। जब ये NHAI के लोगों को मालूम हो जाता है कि भाई अगर हम कुछ गलत करने से हमारे ऊपर कुछ लोग बैठे हैं, हमारे ऊपर भी ऑफिसर्स बैठे हैं, मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, तो मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से और नरेंद्र मोदी साहब से ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये इंडिया लेवल पर जितने भी रोड्स है, आए दिन हम सोशल मीडिया के अंदर, TV के अंदर, न्यूज़ के अंदर देख रहे हैं भाई एक्सीडेंट्स डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं, और यहाँ पर गुलबर्गा में भी जो रिंग रोड का मामला है, आज तक देखिए रिंग रोड के मामले मेंटेनेंस बोल के ये लोगों का क्या अंडरस्टैंडिंग है कि जो NHAI के ऑफिसर्स और उनके कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में ये लोग खाली आज करते कल करते बोल के यहाँ पर भी अतराफ के जो रिंग रोड्स हैं यहाँ पर भी वर्क नहीं हो रहा है, और हम लोग 2-3 महीने पहले भी दे चुके हैं कि भैया इमीडिएट आप जो है रिंग रोड का काम हमनाबाद रोड से राम मंदिर तक करिए, और उधर का जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट NHAI के हाथ में आता जो हमनाबाद रोड से राम मंदिर तक, और उधर का जो है हमनाबाद रोड से हाईकोर्ट तक उधर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में आता है, तो आप जल्द से जल्द आप थूक पॉलिश करने का काम मत करिए, हम आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं, अगर इसके अंदर जरा भी कोताही हुई, अगर इसके बारे में रोड का काम अगर बराबर नहीं होगा तो आने वाले दिनों पे हम लोग आपके खिलाफ स्ट्राइक करने का काम करेंगे, प्रोटेस्ट करने का काम करेंगे।